इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने शहर में बढ़ते क्राइम को देखते हुए विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत शहर के चारों जोन के पुलिस व ट्रैफिक पुलिस के साथ ही रिजर्व बल भी मैदान में तैनात किया गया है, जिसमें लंबे समय से फरार वारंटी सहित लिस्टेड बदमाश पुलिस के निशाने पर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बढ़ते अपराध को रोकने के लिए एक्टिव हुई इंदौर पुलिस। पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने संभाला मोर्चा। शहर के चारों जोन में चलाया गया विशेष अभियान। आधी रात को पुलिस ने शुरू की चेकिंग। इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने आधी रात एक विशेष अभियान की शुरुआत की, जिसमें चारों जोन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम और ट्रैफिक पुलिस व रिजर्व बल के अधिकारियों ने भी अभियान में अपना साथ दिया। इस दौरान 429 बदमाशों की रैंडम चेकिंग की गई, साथ ही 214 पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। वहीं इस विशेष अभियान को लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने बताया कि शहर में पहले एक या दो जोन में ही इस प्रकार की गश्त की जाती थी, लेकिन आज सभी डीसीपी अपने अपने जोन में हैं। देखिए, एक तो मैं सर्वप्रथम अपने सभी मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज छुट्टी का दिन, इतवार का दिन होने के बावजूद भी आज रात्रि के 11 बजे आप सभी लोग पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गश्त में साथ में हैं। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी ओर से। आज हमारे सभी जोन डीसीपीस, जोन वन, जोन टू, जोन थ्री और जोन फोर, अमूमन हमारी गश्त कभी कभी किसी एक जोन में होती थी, किसी दूसरी जोन में होती थी कॉम्बिंग गश्त। आज सभी चारों जोनों ने अपनी कॉम्बिंग गश्त एक साथ रखी है। सभी डीसीपीस आज अपने अपने नेतृत्व में अपने अपने जोन में गश्त करा रहे हैं। आज हमारे दोनों एडिशनल सीपी, एडिशनल सीपी ट्रैफिक, हमारे एडिशनल सीपी क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर, वो भी मेरे साथ हैं। हम लोग गश्त में थोड़ी सिंसियरिटी को जांचने, उनकी सिंसियरिटी को बढ़ाने के हिसाब से आज हम लोग भी गश्त पे कुछ बिंदुओं पर जाएंगे, कुछ पॉइंट्स पर जाएंगे। आज मुख्य रूप से पूरा बल पुलिस फोर्स का, चाहे ऑफिस स्टाफ भी हमारे डीसीपीज ने अपना निकाला है, कोर्ट का भी बल निकाला है, और उसमें तमाम तरीके के जो हमारे कॉम्बिंग गश्त के अवयव होते हैं। बेसिकली गश्त हमारा एक बड़ा ट्रेडिशनल मेथड है अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए, जिसमें कि हम स्थाई वारंट की तामीली, हमारे समन वारंट, इसके अलावा जिला पदर उल्लंघन के प्रकरण, संपत्ति संबंधी अपराधियों की चेकिंग, प्लस शरीर संबंधी अपराधियों की भी चेकिंग, ये सब हमारी लगातार गश्त में चलती है। आज चारों जोन के डीसीपी अपने अपने नेतृत्व में चारों जोनों में एक साथ इसको कर रहे हैं। सर, अभी एक बड़ा और लगातार भारी गैंग जो है मूवमेंट बना हुआ है। अब देखिए, मैंने जैसे एक तो बताया कि गश्त अब थोड़ी स्तंभित हो रही है, और गश्त के अलावा एक हमारा जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस है उसको भी हम लोग बहुत स्तंभित कर रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट से लोगों के आने, क्योंकि कई रास्ते शहर में ऐसे हो गए हैं जहाँ जिनको हमें अपने इंटेलिजेंस से निकालने की आवश्यकता है। साथ ही हम, हमारी टीमें अभी देहात के इलाकों में भी हैं, उन ज़िलों में भी हैं जहां से गैंगों का आना होता है, तो वहां का भी इंटेलिजेंस हमारा लगातार बढ़ कर रहा है। बता दें कि इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता खुद 500 पुलिस जवानों के साथ मैदान में नजर आए। देर रात कॉम्बिंग गश्त चलाई गई, जिसमें 429 बदमाशों की रैंडम चेकिंग की गई, साथ ही 214 पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।